तो भाई आप ये फिरौन की कश्ती देख सकते हो जो सोने की है पूरी, और इसमें फिरौन बैठता था और दरिया नील को जो है पार करता था। क्योंकि नॉर्मल लोगों की एंट्री अलग से थी, लेकिन फिरौन की एंट्री इधर से थी। तो जो फिरौन था ना रामसेस सेकंड, इसकी एंट्री यहाँ से थी। तो क्योंकि नदी बराबर में थी, तो जैसा कोई सेलिब्रेशन करना है, मतलब इन्हें अय्याशी करने है, मजा करना है, तो इनकी एंट्री यहाँ से हुआ करती थी। हर जगह दीवारों पर आपको स्टैचू मिलेगा, हर जगह आपको प्रिंटिंग मिलेगी। ये देखो भाई कैसे हो दोस्तों। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना, ये बहुत खास होने वाला है। आज के ब्लॉग में मैं दो आपको ऐसी लोकेशन बताने वाला हूँ जिसका कुरान के अंदर आपने जिक्र सुन रखा है। मैं हूँ उस समय लक्सूर में। मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हो, इसे बोला जाता है नील नदी। ये वो नदी है जिसे बोला जाता है दरियाए नील, जिसका कुरान शरीफ के अंदर जिक्र है, जो आप देख सकते हो। साथ ही साथ इसी के जस्ट बराबर में जो है फिरौन का महल है। जी हाँ, आज आप पहली बार फिरौन का महल देखने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में फिरौन की मम्मी दिखाई थी आपको, बट इस ब्लॉग में आप फिरौन का महल देखने वाले हैं और साथ में दरियाए नील देखने वाले हैं, और भाई वो मंजर देखने वाले हैं जिस मंजर का जिक्र जो है कुरान शरीफ में हुआ है। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। सामने जो होटल दिख रहा है ना, ये नील वैली, ये मेरा होटल था, और होटल के जस्ट सामने ही ये दरियाए नील है, और उसी के जस्ट सामने जो दिख रहा है ये है फिरौन का महल। तो भाई इसका जो रास्ता है ना जाने का, हमने टिकट लिया है जो 20 इजिप्शियन पाउंड का है, और इसी में बैठ के जाएंगे। ये हमें दूसरी साइड लेकर जाएगा जहाँ पर लोक्सोर टेम्पल है, यानी जहाँ पर फिरौन का महल है। ये दरियाए नील देख रहे हो, और हमारा जो होटल था ना इस साइड था, इसे वेस्ट बैंक बोला जाता है। अच्छी लोकेशन है, और मुझे लग रहा है बीच में अभी पुल की तैयारी भी कर रहे हैं आई थिंक। तो यहाँ पर देखो जहाज चलते हैं। हालांकि जब प्राइवेट अगर आप में जाओगे ना, तो प्राइवेट में आपके 50 इजिप्शियन पाउंड वो आपको अकेले भी छोड़ देंगे। मैं रात अकेला चला गया था, बट इसमें अच्छा लोकल के लिए मेरे सबसे 5 इजिप्शियन पाउंड का टिकट है। अब हमारे लिए इन्होंने 20 का दिया है, ये कह रहे हैं 24 घंटे काम करेगा। मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं। तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं देखो इसके अंदर। तो भाई अभी हम आ चुके हैं दूसरी साइड। देखो अभी हम उस साइड से चले थे, बीच में दरियाए नील, और ये जस्ट आप महल देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये है फिरौन का महल। तो भाई अभी और सबसे बड़ी बात, ये जो दरियाए नील है ना, ये कभी यहाँ तक हुआ करती थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ फिरौन का महल। बट इसकी ये एंट्री ना दोस्तों, ये उस साइड से है, यानी ये जो महल है ना, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक बहुत बड़ा है। तो भाई अभी मैंने सड़क पार कर ली है, अजान हो रही है अभी। तो भाई अभी जो हम जा रहे हैं फिरौन के महल की एंट्री में जा रहे हैं, जिसका रास्ता जो है उस साइड से है। चलो चलते हैं। ये देखो, और ये बहुत बड़ा महल है भाई, इधर से लेकर आगे तक बहुत बड़ा महल है। अच्छा, इसका महल अलग हुआ करता था, जहाँ पर ये पूजा करवाता था, लोगों से इबादत करवाता था, इसकी वो जगह अलग हुआ करती थी, वो भी मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, इसका जो महल है ना भाई, देखो हमें ना उस साइड जाना है, लेकिन ये पूरा घूम के ऐसे जाएंगे, ऐसे घूम के आएंगे ना, तो ये कई किलोमीटर की एंट्री है इसकी, फिरौन की ना कई किलोमीटर की एंट्री हुआ करती थी। ये देखो भाई अभी हम इस साइड है, और इस साइड से इस साइड जाने में ना हमें कई किलोमीटर का फेर पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा महल था उसका। और भाई फिरौन बहुत गुजरे हैं, लेकिन इस फिरौन के बारे में तो ये बताया जाता है कि इसकी बहुत बड़ी लश्कर थी, लाखों में लश्कर थी भाई, सबसे पैसे वाला था ये। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि भाई महल की जो एंट्री है ये कितनी बड़ी है भाई। आप ये देखो क्रॉसिंग पे भी ना, ये जो पूरा रास्ता जा रहा है ना, ये फिरौन के महल का जा रहा है। और यहाँ पर देखो स्फिंक्स देखो आप, ये देखो भाई ये फिरौन, ये देखो, और कहाँ तक रास्ता जा रहा है, यहाँ तक नहीं है, ये केवल उस साइड भी है। ये देखो भाई कितना बड़ा है ये, और अभी हमें उस साइड पहुँचना है। भाई थोड़ी सी सवारी जो हम करते हैं, रथ की भी करते हैं। ये देखो भाई थोड़ा पैदल दूर हो रहा था घूम करके, क्योंकि यार बहुत दूर लोकेशन है, तो मैंने ये कर लिया। ये इन्होंने 30 इजिप्शियन पाउंड बोला है। यहाँ पर जो है थोड़ा मोल भाव बहुत होता है, तो बहुत ज़्यादा करें। और अभी हम घूम कर वहाँ पहुँचने वाले हैं, लक्सोर टेम्पल पहुँचने वाले हैं। तो भाई ये सामने इसकी एंट्री है, यहाँ से हमें टिकट लेना है। यार बहुत चलना पड़ा भाई, बहुत ही ज़्यादा। अब देखते हैं टिकट कितने रुपये का है। तो भाई टिकट जो है 400 इजिप्शियन पाउंड का है। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ के सिर्फ कार्ड चलता है, कैश नहीं चलता कहीं भी।
जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है इनके वहाँ पर कार्ड चलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कार्ड नहीं होगा तो फिर ये ना तो मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एंट्री के लिए। ओ ये है इसकी एंट्री भाई। तो भाई हम जो है अंदर एंट्री कर चुके हैं और जैसे बोला जाता है अक्सो टेम्पल। और एग्जैक्टली बता दो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी फ्रॉन गुजरे हैं ना वो क्राउन होता था उनका, मतलब ताजपोशी होती थी यहाँ पर, और वो यहाँ पर स्टे भी करते थे, रहते भी थे। और खासकर ये जो जाना जाता है रामसेस सेकंड के लिए जाना जाता है। रामसेस सेकंड कौन है? जिसको मूसा अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। तो ये पूरा उसका एक तरह से महल कह सकते हो, इसी के अंदर हम चलने वाले हैं। और भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, जहाँ से एंट्री हुई है ना आप एक तरह से कह सकते हो इसका ये बैक डोर है जिन्होंने एंट्री के लिए ओपन किया, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूँ आपको, ये देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से उधर आई थिंक एंट्री नहीं है, और ये यहाँ से देखो पूरा का पूरा हम जो है अंदर चलेंगे। ये देखो यहाँ से जो एवेन्यू है ना सिफिंग्स का है, सिफिंग्स ये देखो यहाँ से माबूत हुआ करते थे इनके, और ये यहाँ से आगे तक पूरा चले जाओगे ना आपको इस तरह के ये मिलेंगे पूरे। और ये यहाँ से वहाँ तक जो है ना कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का सफ़र है। ये देखो भाई, तो मैंने आपको दिखा दिया, ये सिफिंग्स का आपने देखा होगा फ्रॉन, ये पूरे लगे हुए हैं। ये पहले सिफिंग्स के नहीं हुआ करते थे लेकिन बाद में लगे हैं। और ये आप देख सकते हो सिफिंग, ये देखो। तो ये जो आप पिलर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो पिलर है ना सिर्फ एक पत्थर का, यानी बीच में कोई कट नहीं है, एक पत्थर से बनाया हुआ पिलर है। ये देखो ये जो आप पिलर देख रहे हो, अच्छा इसके बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि किसने कितने समय तक राज किया है यहाँ पे। जैसे ये पढ़ लो आप, इसने 15 साल के लिए राज किया, और ये 18वीं डायनेस्टी का था ये वाला बंदा। और ये पढ़ सकते हो इसने 38 साल तक राज किया, ये भी 18 डायनेस्टी तक था। ये तूतन खामन ये है अखनातेन का लड़का, 9 साल राज किया, और इसकी जब मम्मी पाई गई ना तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सोना पाया गया ये तूतन खामन, देख सकते हो ये भी 18वीं डायनेस्टी का था। ये रामसेस सेकंड, इसने 66 साल रूल किया है, और ये सबसे मालदार फिरौन बोला जाता है। और ये मान के चलिए, ये मान के चलिए 66 साल इसने राज किया। और 19वीं डायनेस्टी का न्यू किंगडम का, ये देखिए ये है मूसा अलैहिस्सलाम के पीरियड का जैसा जोड़ा जाता है। और यहाँ पर ये पढ़ सकते हो ये 21वीं डायनेस्टी का है बंदा, और ये जो है तुम्हारे की 30वीं डायनेस्टी का है। इसके बाद तो डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, 31 के बाद तो आपको पता है रोमन साम्राज्य आ गया था। तो आप यहाँ से इन सबको देख सकते हो, और स्पेशली यहाँ पर जो दो मेंशन, एक रामसेस सेकंड, एक तूतन खामन, इनके बाप का जिक्र नहीं है यहाँ पर, यानी जिनका नाम है अखनातेन, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का बोला जाता है। यानी पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर आया, उसके बाद जो है रामसेस सेकंड, यानी ये आप देख सकते हो जब मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया था। तो दोस्तों अभी जो हम चल रहे हैं वो अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर आप ये स्टैचू वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर 6 से लेकर 7 स्टैचू लगे हुए हैं जो कि रामसेस सेकंड का भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर तूतन खामन का भी है। और ये जो स्टैचू है इसके बारे में तो बता दिया मैंने आपको, सॉरी ये जो खम्बा है ये सिर्फ एक पत्थर से बना हुआ है। तो अभी जो है हम अंदर लेके जो है आपको चल रहे हैं। देख रहे हो यार स्टैचू देख रहे हो उस दौर के, भाई फुल अय्याशी करी थी इन लोगों ने। हर जगह दीवारों पर आपको स्टैचू मिलेगा, हर जगह आपको प्रिंटिंग मिलेगी। ये देखो भाई, ये देखो भाई, मतलब इन्हें बिल्डिंगें बनाने का बहुत शौक था। और ये जो दोस्तों बनकर तैयार हुआ था ना, ये बहुत लंबे समय में बनकर तैयार हुआ था। तो ये जो एंट्री आप देख रहे हो ना, इसे रामसेस कोर्ट बोला जाता है, यानी रामसेस कोर्ट यानी मूसा अलैहिस्सलाम के पीरियड का जो फिरौन है ना उसका कोर्ट था, क्योंकि सबसे ज़्यादा राज किया है ना 66 साल उसी बंदे ने राज किया है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसके बारे में, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये है रामसेस सेकेंड कोर्ट। ये देखो भाई, रामसेस सेकेंड ग्रेट एंट्रेंस कोर्ट ऑफ, ये ग्रेट एंट्रेंस थी उसकी। ये पूरा दिखा रखा है, ये कौन सा पवेलियन था, ये कौन सा टावर था, ये पूरा का पूरा दिखा रखा है। ये जो है देखो रामसेस सेकंड है, यानी ये देखो आप पूरा, ये देखिए भाई। अच्छा ये जो है देख रहे हो ना, जैसे एक चीज़ बताऊँ आपको कि नॉर्मल लोगों की एंट्री अलग से थी लेकिन फ्रॉन की एंट्री इधर से थी। तो जो फ्रॉन था ना रामसेस सेकंड, इसकी एंट्री यहाँ से थी। तो क्योंकि नदी बराबर में थी, तो जैसा कोई सेलिब्रेशन करना है या कहीं से आए ताजपोशी करनी है या मतलब क्राउन है या जो भी मतलब इन्हें अय्याशी करने है मज़ा करना है, तो इनकी एंट्री यहाँ से हुआ करती थी। और ये जो पूरा कोर्ट है ना रामसेस सेकंड का ही कोर्ट है, यानी पूरा जो डेडिकेट है ये रामसेस सेकंड के लिए ही डेडिकेट है पूरा। यहाँ से इनके बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हो जूम करके भी। ये देखो लक्सोर टेम्पल, ये देखो रामसेस सेकंड। तो ये आप देखो भाई,
अब तो यहाँ पर खैर मस्जिद बन गई है, यहाँ पर देखो यहाँ पर अजान होती है, और ये बहुत पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद। ये आप देखिए यहाँ पर जो आप टेम्पल वगैरह देख रहे हैं, ये पूरा स्टैचू ही देखिए, ये रामसेस सेकंड, भाई रामसेस सेकंड, ये देखो इसे ना बहुत शौक था अपने स्टैचू बनवाने का, फोटो बनवाने का, अपनी कलाकृति बनाने का, हर जगह आपको दीवार पर यही मिलेगा। ये देखो भाई, ये आप देखिए। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो रामसेस है ना इसकी बराबर में आप देखोगे ये वाइब का फोटो है, ये देखो इधर देखो, और मैं इधर भी दिखाता हूँ, जितने भी फोटो रामसेस के फोटो मिलेंगे ना बराबर में वाइब का फोटो, ये देखो वाइब का फोटो, इधर मैं और दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई फोटो, और मैं दिखाता हूँ आपको जितने भी स्टैचू मिलेंगे इसके, इसने अपनी वाइब का फोटो साथ में ज़रूर होगा इसके, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, ये आप देख सकते हो बड़े बड़े यार पत्थर हैं यार, एक एक पत्थर से बना हुआ, देखो ऊपर डर लगता है या ऊपर से गिर नहीं जाए यार। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पर आप ये आप पत्थर देख सकते हो, यानी ये आप खम्भे देख सकते हो, कितने ऊंचे खम्भे हैं यार, वाकई में बहुत ऊंचे खम्भे हैं। ये देखो भाई इधर देखो, और ये देखो। अच्छा फिरौन के बारे में ये बोला जाता है, रामसेस सेकंड के बारे में बोला जाता है कि भाई ये बहुत डरपोक इंसान था, बहुत डरपोक इंसान था, और मतलब ये मान के चलो कि इसे ना बहुत स्टैचू बनाने का शौक था, इसे लगता था कि प्रजा मेरे साथ कभी मेरे खिलाफ हो सकती है, तो उन पर दबदबा बनाने के लिए ना बहुत ड्रामे करता था यार, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो ये आप देखिए भाई, भाई अगर आप देखोगे ना ये जो पत्थर है ना यार, बहुत ये जो देख रहे हो ना बहुत मोटा है, और ऊपर से देखो देखो एक एक पत्थर कैसे रखे हुए हैं इस पर, ये देखो भाई। अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना, ये तूतनखामन के दौर का था, यानी जो आखानातेन था ना उसके लड़के के दौर का था, और इसे बोला जाता है ग्रेट कोलोनडेल हॉल। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पर ताजपोशी वगैरह होते हुआ करती थी, तो उस पीरियड का आप देख सकते हो यहाँ पर। अच्छा ये जो आप महल देख रहे हैं ना, इस महल को बोला जाता है कि एक पीरियड में इसको चर्च भी बना दिया गया था, कुछ जो पार्ट है यहाँ का इसको चर्च ही बना दिया था। तो आपको पता है यहाँ पर रोमन साम्राज्य आया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, डायनेस्टी चेंज हुई, पटोलमी भी आ गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप मिक्स एक तरीके से सारी चीज़ें देखोगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पर लेकर आया हूँ, ये आप देखो भाई। तो ये यहाँ का थर्ड पोर्शन है जो आप देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ आपको ये ही कॉलम मिलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होते हैं कॉलम और ये यहाँ तक, ये आप देख सकते हो। और ये भाई देखिए, ये बराबर में वो रास्ता है, नील नदी वाला रास्ता है, ये देखो भाई, और हमने इधर से एंट्री करी थी, ये देखो। और ये आप अंदर का व्यू देख सकते हो। तो अच्छा ये जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे सन कोर्ट बोला जाता था, ये दूसरे फ्रोन के दौर का था, जो दूसरी डायनेस्टी का बंदा था। आप ये देखिए भाई, तो मेन चीज़ यहाँ पर आप देखोगे तो एक तरह से ये तो पूरा नस्ते नाबूद ही हो गया, लेकिन उस दौर में जब ये होगा ठीक ठाक होगा, क्योंकि यार 3,000-4,000 साल पहले का ये वाक्य है, तो ये कितना पुराना उस समय कैसे बना हुआ होगा। लेकिन सबसे इनक्रेडिबल चीज़ ये है कि ये अभी भी रुका हुआ है, कुछ पार्ट इसके जो है अभी भी यहाँ पर ऐसे रुके हुए हैं। तो अभी जो हम आ गए यहाँ पर आप देखोगे तो पूरे के पूरे कॉलम ही बने हुए हैं। अच्छा आग उधर के कॉलम अलग थे, उधर के कॉलम जो है एक पत्थर से बने हुए थे, यहाँ इस पत्थर में आप डिज़ाइन देखोगे। लेकिन यहाँ भी आप देखोगे तो प्रिंटिंग काफ़ी है, ये आप देखो। अच्छा इसके बाद जब आप आगे आओगे तो यहाँ पर रोमन लग्जोर टेम्पल, यानी रोमन साम्राज्य आ गया था, तो उस समय का यहाँ पर टेम्पल बना दिया उन्होंने। तो ये आप देखो भाई इस तरीके से पूरा, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे रह सकते हो आप, क्योंकि ऊपर अंदर जो बनाया हुआ थोड़ा अलग कबर्ड तरीके से बनाया गया है। तो ये है रोमन लग्जोर टेम्पल, ये देखो भाई। तो जब रोमन साम्राज्य का दौर आया था, उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया, एक तरह से ये पूरा चैम्बर बना दिया, और यहाँ के जो पिलर थे हुआ करते थे उससे पहले, वो सारे के सारे हटा दिए, यानी सन कोर्ट के जो पिलर थे वो सारे हटा दिए इन्होंने, और एक तरीके से दीवार बना दी। देखो यहाँ पर आप दीवार देखोगे, बट इधर कोई दीवार वगैरह देखोगे नहीं आप, तो काफ़ी उन्होंने कुछ चेंज कर दिया। ये पूरा एक तरीके से चैम्बर हुआ करता था रोमन पीरियड का। तो अभी जो है हम इसी के अंदर जा रहे हैं भाई, ये देखो पूरा कवर्ड कर दिया, यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर लोग रहते होंगे। ये देखो भाई, ये आप देखिए भाई, यहाँ पर आप छत वगैरह मिलेगी, वहाँ पर छत वगैरह नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा इसे जो बोला जाता है बर्थ रूम बोला जाता है, यानी बर्थ रूम यानी यहाँ पर जो है लिविंग, ये तो समझ गए कि यहाँ पर लोग रहते होंगे, क्योंकि जब बर्थ रूम है तो यहाँ पर लोग रहते होंगे,
तो ये अंदर का व्यू है अभी, और मैं आपको जो है अंदर लेके जाता हूँ। अच्छा, रोमन साम्राज्य की थोड़ी सी बात बता दूँ आपको कि फ्रोन मतलब जब फ्रोन दौर था यानी 31वीं डायनेस्टी थी, तो फ्रोन दौर की यानी मिस्र की लास्ट जो रानी थी ना वो थी क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा का नाम सुना होगा, उसका अफेयर किसका था कि रोमन साम्राज्य का जो डिक्टेटर था यानी जूलियस सीजर था। तो आपको पता क्लियोपेट्रा बाद में ख़त्म हो गई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद रोमन साम्राज्य आ गया था। जब रोमन साम्राज्य आ गया तो आप यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी कुछ चेंज हो गया और काफ़ी कुछ उन्होंने बदलाव कर दिए। सबसे पहले जो पिलर थे, पिलर के ऊपर उन्होंने छत कर दी, बराबर में दीवार कर दी, तो ये आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर ना ओपन म्यूजियम भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो छत वगैरह, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ओपन, जो ओपन एयर म्यूजियम है ये है भाई, देखो ओपन एयर म्यूजियम, ये पूरा का पूरा ये देखो। और ये बहुत बड़ा महल है भाई, ये देखो। अच्छा, इस ओपन म्यूजियम में सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उस पीरियड में किस पीरियड में कौन सा फ्रॉन था, किस पीरियड में कौन सा फ्रॉन था, किस पीरियड में कौन सा फ्रॉन था, और एग्जैक्टली उनके कोलैबोरेशन के बारे में बताया गया कि जब यहाँ पर ताजपोशी हुआ करती थी तो किसका क्या दौर था, ये चीज़ बताई गई है। तो एंट्री आप ये देख सकते हो, और चलो अभी अंदर चलते हैं। ये भाई देखो, अभी जो है हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये आप देख सकते हो पूरा, यहाँ भी आपको बहुत सारे कोलम ही मिलेंगे कुल मिला करके। ये देखो, ये देखिए भाई, वो पूरी दीवारों पर पेंटिंग वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह, इनके मतलब जो तुम्हारे के स्टैचू वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखो भाई, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये लास्ट पोर्शन होगा इसका, क्योंकि यहाँ से दीवार वगैरह बंद कर दिया। और वैसे लास्ट नहीं है ये, वैसे एंड नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ जो टूरिज्म जिसके हाथ में होगा, उन्होंने इसका एंड कर दिया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो मेरे हिसाब से एंट्री भी इधर से ही है और हमें वापस ही जाना पड़ेगा, तो ऐसा कर दिया है इसका कुछ हिसाब किताब। हाँ, ये देखो पूरी वॉल लगा दी है, जबकि एग्जैक्टली बहुत आगे तक है उधर तक। तो अच्छा, मैं इसके बारे में एक बात बता दूँ आपको, महल के बारे में। ये जो महल पहले भी था, ऐसा नहीं था कि रामसेस सेकंड ने बनाया था, उससे पहले भी था। रामसेस सेकंड का जब दौर आया यानी फ्रोन का जब दौर आया, तो उसने दो चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी। एक तो इसने यहाँ पर जो है कोर्ट, मतलब अपना राम से सेकंड कोर्ट बना दिया इन्हें, और एक इन्हें पैलोन कोर्ट बना दिया। ये दो चीज़ इसने ऐड करी, और केवल इसने ऐड नहीं करी, जब राम से थर्ड आया, राम से थर्ड कौन था यानी जो राम से सेकंड था उसकी औलाद था। पहले के जो नाम हुआ करते थे ना, वो इस तरह हुआ करते थे, जैसे मुगल पीरियड में चले जाओ कि अकबर वन, अकबर द्वितीय, अकबर तृतीय, इसी तरीके से। या मान लिया आप ओटमन एम्पायर में चले जाओ, उस्मान गाजी वन, उस्मान सेकंड, उस्मान थर्ड, सेम इसी तरीके से यहाँ पर रामसेस सेकंड का जो लड़का था वो रामसेस थर्ड था। यानी रामसेस सेकंड की जब हम बात करते हैं ना, तो वो उसको ज़्यादा कोट किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस था, 66 साल जिया था, सबसे बड़ी लश्कर थी, खुदा होने का दावा किया था, बहुत सारी चीज़ें जो है उसके बारे में यहाँ पर बताई जाती हैं। और ये बहुत बड़ा है, अब तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक तरह से पूरा ब्लो कर रखा है, और पटोलमी पीरियड है उसके बारे में बताया गया है, एग्जैक्टली रोमन साम्राज्य है उसके बारे में बताया जाता है। जो फ्रोन में सबसे पहला जो बादशाह था, मतलब जो सबसे पहला फ्रोन डायनेस्टी का बादशाह था, उसे बोला जाता था नेमेस, और सबसे जो लास्ट थी वो क्लियोपेट्रा थी। और उसके अंदर बहुत सारे, मतलब ये मान के चलो 170 से भी ज़्यादा फ्रॉन गुजरे हैं, लेकिन उसमें जो चर्चा की जाती है वो आखानातेन के बारे में की जाती है, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीरियड से जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ईमान भी लिया था, यानी वो मुस्लिम भी हो गए थे, ऐसा बोला जाता है। और उसी के बाद लड़का है उनका, जो तुम्हारे की है, तुम्हारे की तूतन खामन। तो ऐसा है कि उसकी जब तुम्हारे की मम्मी पाई गई यानी लक्सूर में, तो ये मान के लिए इतना सोना मिला, उससे ज़्यादा सोना मिला ही नहीं, मतलब। और 1922 में यानी अभी 102 साल हुए उस चीज़ को, और अभी उस पर जो है रिसर्च चल रहा है। बता रहे हैं कि जब इसका स्कैन हुआ तो बताया गया कि उसे सिर पर किसी ने चोट मारी थी, उसके बाद उसकी जो है हत्या हो गई थी। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं पूरा, ये पूरा ओपन म्यूजियम है, और पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी हुई है। लेकिन उस समय तो ये ओपन नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहाँ भी साथ जैसे ये देख रहे हो, यहाँ भी कॉलम वगैरह हुआ होते होंगे। जैसे रामसेस जब थर्ड आया था, उसने भी यहाँ पर बहुत सारे आउट वाले कॉलम जो है उसने बनाए थे। तो भाई आप ये फ्रोन की कश्ती देख सकते हो, जो सोने की है पूरी, और इसमें फ्रोन बैठता था और दरिया नील को जो है पार करता था। भाई कुल मिलाकर अगर 100% की बात की जाए, तो उसमें से केवल 85% जगह तो ऐसी है, या तो बंद है या फिर गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। केवल 15% ही आप देख पाते हो। तो आप देख पाएंगे ये बहुत बड़ा जो है महल हुआ करता था,
और एग्जैक्टली देखो, जब हम एक चीज़ और कहते हैं, इसमें एक चीज़ ऐड कर दो, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ा चढ़ा के जो है प्रेजेंट की जाती है। सेव यहाँ भी है फिरौन के बारे में, तो जब सबसे ज़्यादा मतलब ये कोट किया जाता है वो रामसेस सेकंड को किया जाता है। तो ये मैंने आपको दिखाया रामसेस सेकंड का महल। आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो मेरा एक चैनल और है अरवाज ऑफिशियल का, उसे भी आप जो है फॉलो कर सकते हो यानी सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ अगर वो ट्रैवलिंग का शौक़ है और आप भी मेरी तरह यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, और इसके लिए मैंने एक आपकी गाइड के लिए जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा, एक मैंने कोर्स लॉन्च किया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जो है आप जो है उस कोर्स को ले सकते हो। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है और काफ़ी वो आपको हेल्प करेगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।